नमस्कार, मैं हूं देवांशी मोइत्रा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है। आतंकियों के कायराना हरकत की वजह से देश के 40 जवानों को जान गंवानी पड़ी। 14 फरवरी को हुए इस आत्मघाती हमले पर पीएम मोदी ने भी देश के दुश्मनों को चेतावनी दे दी है कि आतंकी संगठनों और उनके सरपरस्तों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हमले के पीछे जो ताकतें हैं, जो भी गुनहगार हैं, उन्हें इसका जवाब जरूर मिलेगा। हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है, लोगों का खून खौल रहा है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं। इस समय जो देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। साल 1999 के बाद से पिछले दो दशक में सेना और सुरक्षा बलों पर ऐसे कई हमले हुए जब इन आतंकी घटनाओं में देश के जवानों को शहादत देनी पड़ी हो। 14 फरवरी 2019 जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में हुए इस आत्मघाती हमले में करीब 40 जवान शहीद हुए। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने सीआरपीएफ के जवानों को ले जा रही बस को मुख्य रूप से निशाना बनाया था। As it was mentioned by IGCRPF, it's a terror incident. It's a terror incident and we are looking into to the possibility of what led to this blast. There was a vehicle convoy which was coming. And it was there is an explosion, and what is the nature of explosion, how it has happened, what led to this explosion, these are all subject of investigation. So we are going to carry out a professional post blast investigation. 26 अगस्त 2017 जैश ए मोहम्मद के तीन आतंकवादियों ने पुलवामा जिला पुलिस लाइंस पर हमला कर सुरक्षा बल के 8 जवानों की हत्या कर दी थी। इन हमलावरों को सुरक्षा बल ने जवाबी कार्रवाई में मार गिराया था। 29 नवंबर 2016 जम्मू के नागरोटा स्थित सेना के आयुध शिविर पर तीन आतंकवादियों ने हमला कर 7 जवानों को मौत के घाट उतार दिया था। तीनों आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। 18 सितंबर 2016 बारामूला के उरी स्थित सेना शिविर पर 4 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया जिसमें 18 सैनिकों की मौत हो गई। मारे गए ज्यादातर सैनिक हमले के समय नींद में थे। इसी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाक के कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक किया था। 25 जून 2016 पंपोर में श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर आतंकवादियों ने एक सीआरपीएफ बस पर अंधाधुंध फायरिंग कर 8 जवानों को मौत के घाट उतार दिया था। 3 जून 2016 पंपोर में एक सीआरपीएफ बस पर हमला कर 2 जवानों की जान लेने के बाद आतंकी पास की एक सरकारी इमारत में जा छिपे। 2 दिन चले एनकाउंटर में 2 हमलावरों के अलावा 3 सीआरपीएफ कर्मी शहीद हुए थे जिसमें 2 अधिकारी भी शामिल थे। इस हमले में एक आम नागरिक की भी मौत हुई थी। 5 दिसंबर 2014 भारी भरकम हथियारों से लैस 6 आतंकियों ने उरी के मोहरा में एक सैन्य शिविर पर हमला किया। लंबी गोलीबारी में 10 जवान शहीद हो गए तो वहीं जवाबी कार्रवाई में सभी आतंकियों को मार गिराया गया। 24 जून 2013 श्रीनगर के हैदरपोरा में निहत्थे सेना के जवानों को ले जा रही एक बस पर आतंकवादियों ने हमला कर 8 जवानों को मौत के घाट उतार दिया था। 19 जुलाई 2008 श्रीनगर बारामूला हाईवे पर स्थित नरबल में सड़क किनारे लगाए गए आईईडी में धमाका कर आतंकवादियों ने 10 जवानों की हत्या कर दी थी। 2 नवंबर 2005 पूर्व सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद के निजी घर के करीब एक फिदायीन हमलावर ने अपनी कार में धमाका कर दिया जिसमें 3 पुलिस वालों और 6 आम नागरिकों की मौत हो गई थी। 20 जुलाई 2005 एक आत्मघाती कार हमलावर ने अपनी गाड़ी को सुरक्षा बलों के वाहन में टक्कर मारकर उड़ा दिया। इस हमले में सुरक्षा बल के 3 जवान और 2 नागरिक मारे गए। 24 जून 2005 श्रीनगर के बाहरी इलाके में आतंकवादियों के किए गए एक कार बम धमाके में सेना के 9 जवान मारे गए। 4 अगस्त 2004 श्रीनगर के राजबाग में सीआरपीएफ के एक शिविर पर हुए आतंकवादी हमले में 9 जवान शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकवादी भी मारा गया। 8 अप्रैल 2004 बारामूला जिले के उरी में पीडीपी की एक रैली पर आतंकवादियों के ग्रेनेड हमले में 11 लोग मारे गए। पीडीपी श्रीनगर मुजफ्फराबाद रोड को खोलने की मांग कर रही थी। 22 जुलाई 2003
अखनूर में सेना के एक कैंप पर हुए हमले में एक ब्रिगेडियर समेत 8 जवानों की मौत हो गई थी। हमले में सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी भी घायल हुए थे। 28 जून 2003 सुंजवान आर्मी कैंप पर आतंकवादियों के आत्मघाती हमले में एक अधिकारी सहित 12 सैनिक मारे गए। 2 आतंकियों को भी मार गिराया गया था। 14 मई 2002 जम्मू में कालूचक सैन्य छावनी में घुसकर 3 आतंकवादियों ने 36 जवानों की हत्या कर दी थी। इस घटना में हमलावर भी मारे गए थे। 17 नवंबर 2001 आतंकवादियों ने डोडा जिले का हिस्सा रहे रामबन में सुरक्षा बलों के एक ठिकाने पर हमला कर 10 जवानों की हत्या कर दी थी। इस हमले में 4 आतंकवादी भी मारे गए थे। 1 अक्टूबर 2001 आतंकवादियों ने श्रीनगर में विधानसभा के पुराने परिसर के बाहर एक कार बम धमाका किया जिसमें 38 लोग मारे गए थे। इस हमले में 3 हमलावरों को भी मार गिराया गया था। 10 अगस्त 2000 आतंकवादियों ने श्रीनगर के रेजिडेंसी रोड पर एक ग्रेनेड फेंका, जिसकी सूचना पर जैसे ही सुरक्षा अधिकारी घटनास्थल पर जुटे उन्होंने एक कार बम विस्फोट कर दिया जिसमें 11 लोगों और एक फोटो जर्नलिस्ट की मौत हो गई। 19 अप्रैल 2000 कश्मीर विद्रोह में पहली बार मानव बम का इस्तेमाल किया गया। श्रीनगर के बादामी बाग इलाके में सेना मुख्यालय में आत्मघाती कार बम विस्फोट में 2 सैनिक मारे गए। 3 नवंबर 1999 आतंकवादियों ने बादामी बाग सेना मुख्यालय पर हमला कर सेना के जनसंपर्क अधिकारी मेजर पुरुषोत्तम सहित 10 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। पिछले 2 दशक में जम्मू कश्मीर में करीब 22 बड़े आतंकी हमले हुए जिसमें कई जवानों की जान गई, लेकिन सेना ने भी समय समय पर खतरनाक घटनाओं को अंजाम देने वाले आतंकियों को जहन्नुम में पहुंचाने से पीछे नहीं हटी। सबसे पहले मैं पुलवामा के आतंकी हमले में शहीद जवानों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए हैं। दुख की इस घड़ी में मेरी और हर भारतीय की संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है, लोगों का खून खौल रहा है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं। इस समय जो देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। हमें अपने सैनिकों के शौर्य पर, उनकी बहादुरी पर पूरा भरोसा है। मुझे पूरा भरोसा है कि देशभक्ति के रंग में रंगे लोग सही जानकारियां भी हमारी एजेंसियों तक पहुंचाएंगे, ताकि आतंक को कुचलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे
जो ताकतें हैं इस हमले के पी, जो भी गुनहगार है उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी।